Hello kids, welcome back. This is your mentor Neetu. We are doing Mathematics Whirlwinds of Class 7 by BrainDude. So today we are starting Chapter 10, Perimeter and Area. Very interesting, very important topic. So let us start getting ready. Have you ever noticed the painting work being done at your home? How does the painting work begin? कभी आपने नोटिस किया होगा हम घर पे पेंट कराते हैं तो वो कैसे होता है Like painter used to come, painter आते हैं घर पे तो वो घर को देख के एरिया को देख के पेरीमीटर को देख के वो बताते हैं कितना पेंट वी हैव टू यूज़ ओके सो बिफोर अ पेंटर बिगिन्स पेंटिंग द वॉल्स विंडोज एंड डोर्स वी गेट एन एस्टिमेटेड क्वान्टिटी ऑफ पेंट रिक्वायर्ड टू पेंट द हाउस एक हमें रफ आइडिया मिलता है कि हमें कितना पेंट चाहिए होगा ओके सो एस्टिमेशन रिक्वायर्स रफ कैलकुलेशन फॉर ईच सरफेस यू वॉन्ट टू पेंट सो हाउ डज अ पेंटर फाइंड द एस्टिमेटेड क्वान्टिटी ऑफ पेंट रिक्वायर्ड फॉर अ पेंटिंग वर्क तो पेंटर जो है वो कैसे एस्टिमेट लगाते हैं बाय एरिया बाय पेरीमीटर राइट लाइक वन क्वेश्चन इज ओवर हेयर Find the area of a wall of length 5 meter and width 4 meter. Write some formulas for finding the areas of the shapes that you know. Okay, now introduction part. In previous class, we have read the areas of rectangles and square. हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इन दिस चैप्टर वी शैल रीड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद रेक्टेंगल एंड स्क्वायर सो फर्स्ट रेक्टिलीनियर फिगर्स क्या होती हैं अ फिगर एनक्लोज्ड बाय सम लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ रेक्टिलीनियर फिगर जो फिगर लाइन सेगमेंट से बनी होती हैं उनको हम बोलते हैं रेक्टिलीनियर फिगर सच एज स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम एटसेट्रा नाउ पेरीमीटर पेरीमीटर मीन्स द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो भी बाउंड्री है उसकी लेंथ दैट इज द पेरीमीटर और जो पेरीमीटर का यूनिट होता है दैट इज सेम एज द unit of length okay like meter centimeter like this now area the part of the plane enclosed by a rectilinear figure is called the area so the unit of area is square unit or unit square okay so I hope this one is clear to you now conversion of units units of length given and units of corresponding area Like 1 kilometer, how many meters? 1000 meter. और अगर हम एरिया की बात करेंगे तो सपोज 1 kilometer square तो हम कैसे लेंगे 1000 into 1000 meter square. ओके ऐसे ही 1 hectometer इज इक्वल टू 100 meter. सो 1 hectometer square इक्वल्स टू 100 into 100 meter square. ऐसे 1 decameter इक्वल्स टू 10 meter दैट इज 1 decameter square इक्वल्स टू 10 into 10 टू टाइम्स 100 meter square ऐसे आपके पास 1 meter इक्वल्स टू 100 centimeter है और अगर आपने 1 meter square को सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना है तो 100 into 100 centimeter square सिमिलरली 1 meter इक्वल्स टू 10 decimeter यानी 1 meter square इक्वल्स टू 100 decimeter square एंड 1 decimeter इक्वल्स टू 10 centimeter तो 1 decimeter square क्या बन जाएगा 100 centimeter square ऐसे 1 centimeter इक्वल्स टू 10 millimeter सो 1 centimeter square इक्वल्स टू 100 millimeter square ओके सो नाउ बिगर यूनिट्स Like acre, 1 acre equals to 100 meter square and 1 hectare equals to 10,000 meter square. So, आपको, you have to keep in mind this relation. Okay, so these are the area units, okay, units of area. Now, perimeter.
What is the perimeter? The perimeter of any figure is the measure of its boundary. यानी जो इसकी boundary है उसका sum. So perimeter is sum of all the sides of the figure, right? Now we have some figures and their perimeter. Like first is square. Square is given. इसका perimeter हम कैसे find करेंगे? Square. पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल द साइड्स, स्क्वायर की फोर साइड्स है, इन फोर साइड्स का सम कर देंगे एंड यू नो वेरी वेल ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज सेम, तो ये क्या बन जाएगा, फोर इंटू वन साइड. ओके, सो बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल, राइट. नाउ द नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर सेम, यानी ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, दिस इज ऑल्सो ब्रेथ. सो टू लेंथ एंड टू ब्रेथ. तो पेरीमीटर इज सम ऑफ फोर साइड्स, जिसमें से दो लेंथ है और दो ब्रेथ है, तो ये क्या बन जाएगा, 2L प्लस 2B, हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी. नाउ नेक्स्ट इज ट्रायंगल. सो ट्रायंगल का पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ द थ्री साइड्स, राइट. नाउ नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. So perimeter is sum of the four sides, okay, and AB is equal to DC and BC equals to AD, जैसे rectangle में होता है. तो it means twice of AB plus BC, means two times of sum of the two adjacent sides, because AB or DC equal है, BC or AD equal है, right? So I hope this is clear to you. Now we are talking about circumference of a circle. आपने circle के बारे में पढ़ा है. Circle की जो boundary होती है उसको हम क्या बोलते हैं, circumference. The perimeter of a circle is called its circumference. Okay? जो भी हम boundary का outer portion का जो हम sum लेंगे, जो भी उसकी length लेंगे, that is the circumference, that is the perimeter of the circle. So activity, draw three circles with three different radii. हमने three circles draw किए different radius से. एक है 2 centimeter, one is 2.5 and the other is 3.5 centimeter radius. Now take a piece of thread and measure the circumference of the circles and record your observations in the following table. हमने क्या किया, एक थ्रेड लिया और उससे इनकी बाउंड्री को मेज़र कर दिया और नाउ वी आर राइटिंग दीज वॉट एवर द रीडिंग. लाइक हेयर द फर्स्ट वन इज डायमीटर. तो फर्स्ट का हमने डायमीटर क्या हो जाएगा, 4 centimeter, डबल ऑफ रेडियस. तो हमने इसकी सर्कमफ्रेंस नोट डाउन करनी है. ओके, एंड देन सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को डिवाइड करके उसकी वैल्यू को लिखना है. सेम सेकेंड में डायमीटर कितना हो जाएगा, डबल ऑफ रेडियस यानी 5 centimeter, और फिर हमें राइट डाउन द सर्कमफ्रेंस एंड देन डिवाइड सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर एंड सेम फॉर द थर्ड वन. सो व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या मिलेगा, द रेशियो यानी सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर इज द सेम. जो आप यहाँ पे नंबर आएंगे ना, दैट वुड बी सेम, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 3.14 centimeter in all these three cases. तो रेशो जो है C upon D, that is same. Okay? तो उसको हम क्या बोलेंगे, that is constant for all the circles. हर एक सर्कल के लिए C divide by D is fixed. Right? So this constant is denoted by the Greek letter pi. तो हमने इसको एक name दे दिया, that is pi. ओके, एंड इट्स वैल्यू इज 3.14 और 22/7. ओके, सो इफ आर इज द रेडियस, सी इज द सर्कमफ्रेंस एंड डी इज द डायमीटर, देन सी बाय डी इक्वल्स टू पाई, कांस्टेंट. ओके, और अगर आर रेडियस है तो डायमीटर क्या बन जाएगा, 2r, तो सी बाय 2r इक्वल्स टू पाई, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2πr. तो सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, 2πr या फिर पाई इंटू डी, डायमीटर की फॉर्म में पाई इंटू डी एंड आर की फॉर्म में 2πr.
Okay, so by using this formula, we can find the circumference of a circle. और आपको याद रखना है पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 होगी या फिर 3.14. सो नाउ बी श्योर पाई इक्वल्स टू 3.14 और 22/7 अप्रॉक्सीमेटली. सो टेक वैल्यू ऑफ पाई टू बी 22/7 अनलेस इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन टू टेक पाई 3.14. जनरली हम पाई को 22/7 ही लेंगे. जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि ये लेना है तो आपको फिर यही वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है, अदरवाइज जस्ट गो फॉर दिस 22/7. ओके, नाउ एग्जांपल 1. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड 18 मीटर 16 मीटर एंड 20 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 50 पैसे पर सेंटीमीटर. अब एक ट्रायंगल फील्ड है, उसको हमें फेंस लगानी है, उसकी वॉल लगानी है, और उस पर कितना हमें स्पेंड करना पड़ेगा. हमें उसकी साइड्स गिवन है 18, 16 एंड 20, यानी हमें उसकी बाउंड्री बनानी है, यानी हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा. और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सम ऑफ द साइड्स. तो आप सम ऑफ द साइड्स ले लेंगे, दैट इज 54 मीटर. नाउ व्हाट इज गिवन, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 50 पैसे पर सेंटीमीटर, यानी एक सेंटीमीटर पे हमें 50 पैसे स्पेंड करने हैं. और हमारे पास जो पेरीमीटर है वो मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में. वी नो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 54 मीटर इक्वल्स टू 5400 सेंटीमीटर. अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 सेंटीमीटर 50 पैसे, रुपी में चेंज कर दो, हाफ रुपी. सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 5400 सेंटीमीटर, यानी हाफ से मल्टीप्लाई, दैट इज 2700. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ एग्जाम्पल 2. धानी वॉन्ट्स टू बॉर्डर अ डजन हैंडकरचीफ विद द लेस. Each handkerchief is in the shape of a square of side 20 centimeter. So now A part, how much lace should she purchase to border a dozen handkerchief without any wastage? तो हमें हर एक हैंकी पे border बनाना है with the help of lace, यानी हमें perimeter of one hanky we have to find out. So the lace required to border one handkerchief is equal to the perimeter. So what is the perimeter of one hanky? That is 4 × 20, 80 centimeter. और हमें कितने हैंकी प्रिपेयर करने हैं, 1 dozen, यानी 12. सो 12 × 80, यानी 960 centimeter हमें लेस चाहिए. ओके, सो धानी शुड परचेज 960 centimeter लेस टू बॉर्डर अ डजन हैंडकरचीफ, राइट. नाउ द नेक्स्ट इज, How much money should she pay the shopkeeper if lace is available at rupees 2 per centimeter? अगर लेस की कॉस्ट 1 centimeter लेस की कॉस्ट rupees 2 है, तो how much she has to give the money? तो 960 centimeter she has to purchase. तो 960 multiply by 2, यानी rupees 1920. ओके, सो धानी शुड पे रुपीज 1920 टू द शॉपकीपर फॉर द लेस. नाउ एग्जांपल 3. फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल व्हेन द सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर. नाउ हियर सर्कमफ्रेंस इज गिवन एंड डायमीटर वी हैव टू फाइंड आउट. सो देयर इज वन फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, पाई इंटू डी. सो पाई इंटू डी इक्वल्स टू 22. यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू डी इक्वल्स टू 22. यू नो वेरी वेल हाउ टू फाइंड डी, शिफ्ट कर देंगे 7 को, इट विल गो अप एंड 22 डाउन. सो 22 कैंसिल, सो आंसर इज 7. सो व्हाट इज द डायमीटर, डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर. Similarly, one question is given over here. The radius of the given slice of watermelon is 18 centimeter. What is the perimeter? You can find out. You know, it's a semicircle, its circumference plus diameter.
Okay, I hope this is clear to you. Now, example 4. Ashok's room has a window in the shape of a square of size 70 centimeters surmounted by a semicircle. He wants to fix a wooden designer strip on the outer boundary of the window. What length of strip should he purchase for the window? Window जो है इस शेप में है, स्क्वायर है ऊपर, ऐसे एक सेमी सर्कल है. अब ही wants to decorate it. क्या करना है? एक डिज़ाइनर स्ट्रिप लगानी है पूरी बाउंड्री पे. सो हाउ मच इज रिक्वायर्ड? तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे? पेरीमीटर, हमें कितनी लेंथ चाहिए. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. फॉर दिस विंडो वी नीड टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल. अब इसमें सेमी सर्कल भी है तो हमें उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना पड़ेगा और थ्री साइड्स हैं स्क्वायर की. सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ विंडो? सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस थ्री साइड ऑफ द स्क्वायर. सो हेयर वी आर नॉट कंसिडरिंग द फोर्थ साइड ऑफ स्क्वायर बिकॉज इट इज अटैच्ड विद द सरमाउंटेड सेमी सर्कल. जो फोर साइड है वो इसके साथ आ गई, तो इसलिए हमने फोर साइड नहीं काउंट करनी, हमने थ्री साइड्स काउंट करनी है और दिस पोर्शन. ओके, सो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल? यू नो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या लेते हैं हम? 2πr. ओके, सो हाउ वी कैन डू इट? आपके पास थ्री साइड्स हैं एंड दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल. सो ईच साइड इज 70. So you have to find the radius of this semicircle. So iska radius kya hoga? Half of this side, yani 35 centimeter. So radius of semicircle is half into diameter of semicircle, that is 35 centimeter. So now circumference of semicircle is half into circumference of circle. Because semi hai to aap half lenge circumference of circle का, और आपको पता है circumference of circle is 2πr. So what is the circumference of semicircle? That is pi into r. तो इसमें हम substitute कर देंगे value 22/7 into 35. आप कट कर देंगे इसको, that is 110 centimeter. So what is the perimeter of window? 110 plus 3 sides of square, यानी 3 into 70, यानी 210. इन दोनों को ऐड कर देंगे, 320 सेंटीमीटर. सो अशोक शुड परचेज 320 सेंटीमीटर लॉन्ग वुडन स्ट्रिप फॉर द विंडो. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ द फिफ्थ वन. राखी टाइड हर पेट डॉग विद अ 10 मीटर लॉन्ग रोप टू अ पोल इन द गार्डन. द डॉग स्टार्टेड टू टेक सर्कुलर राउंड्स अराउंड द पोल with straight rope. Find the distance covered by the dog in 50 rounds. एक dog को राखी ने ऐसे tie कर दिया pole के साथ, and now dog is taking the rounds, 50 rounds. तो कितनी distance cover की? You can see it is becoming a circle. अगर हम एक round की बात करेंगे तो circle में कितनी distance cover होगी? Equal to perimeter of circle, यानी circumference of circle. So since the rope is straight, therefore dog is moving on a circular path with radius equal to the length of rope. अब जो rope की length है वो 10 meter है, straight है, it means this is the radius. So r is 10 meter. तो हम find करेंगे circumference, that is 2πr. इसमें पाई गिवन है 3.14, तो आपको यही यूज़ करना है 3.14, सो दैट इज 62.8 मीटर. राइट, तो वन राउंड में डॉग कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 62.8 मीटर. तो 50 राउंड में 50 इंटू सरकमफ्रेंस, दैट इज 3140 मीटर. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ एग्जांपल 6. Find the circumference of a serving dish in the shape of a semicircle of radius 14 centimeter. Semicircular shape में है, हमें इसका circumference कैसे, हम इसका हमें find करना है circumference of serving dish. Dish इस form में है,
यानी ये जो है ये सर्कुलर है और दिस इज अ डायमीटर. तो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ डिश? सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस ए बी, क्योंकि ये हाफ है तो हम सेमी सर्कल लेंगे. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पाई आर एंड प्लस ए बी. ओके, सो हेयर इट्स रेडियस इज 14 सेंटीमीटर. तो ये कितना बन जाएगा? 14 प्लस 14 यानी 28. सो 22/7 इंटू 14 प्लस 28. तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे. 44 प्लस 28 यानी 72 सेंटीमीटर. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ कॉन्सेप्ट हाईलाइट्स. Perimeter is the measure of the outer boundary of a figure, whereas area is the measure of the region enclosed by the figure. Perimeter of square is 4 into side. Perimeter of rectangle is 2 into L plus B. Perimeter of triangle kaise find karenge? Sum of three sides. Perimeter of a parallelogram, 2 into sum of two adjacent sides. And circumference of circle is 2 pi r or pi d, where d is diameter and r is the radius. Okay, now exercise 10.1, based on such type of examples you can try these question on your own. One puzzle is also given, you can go through this one. Now we are talking about area. What is area? As discussed in the beginning of the chapter, area is the measurement of the region enclosed by a given shape. I am showing you the figure. For example, the measurement of the shaded portion in each of the given figures represent the area of the figure. See, these are the figures. So, ye jo circle hai, iske jo andar portion hai, that is the area of the circle. जितना इसके अंदर पोर्शन है दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट देयर फॉर्मूलाज हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड. जितनी साइड होगी स्क्वायर की, साइड इनटू साइड. ओके, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इन सेंटीमीटर तो यूनिट क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. और अगर साइड ऑफ स्क्वायर मीटर में है तो यूनिट इज मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, एल इनटू बी, सेम यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. नाउ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल in which both the pair of opposite sides are equal and parallel to each other. So what is area of parallelogram? It is base into height. Jisse parallelogram mein these sides are parallel, opposite sides are parallel, aur jinke beech ki jo height hai, let it be h, this is base. So what is the formula? Base into height, b into h. Aise area of circle is pi into r square. Okay, so you have to learn these formulas, right? Now area of rhombus, you know rhombus means when all the sides are parallel to each other and equal. So consider a rhombus PQRS. हमने क्या किया, इसके diagonals को join कर दिया. Diagonals, you know, opposite vertices को, QR and PS, right? Now we know that diagonals bisect each other at 90 degree and diagonals divide rhombus into four equal triangles. जो diagonals हैं वो एक दूसरे को equal parts में divide करते हैं. Suppose इस diagonal की length 18 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9, 9. इस diagonal की length 16 है तो it would be 8, 8, right? और इसमें हमारे पास फोर ट्राइंगल्स वी आर गेटिंग. सो एरिया ऑफ रोम्बस इज फोर इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल. कोई भी एक ट्राइंगल कंसिडर कर लो, लाइक पी ओ एस कुछ भी ले लो, एंड देन वी विल गेट एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू. ओके, सो वॉट इज एरिया ऑफ रोम्बस? हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू. सो नाउ अ पैरेललोग्राम हैज टू डिफरेंट बेसिस. Any of the bases can be chosen to find the area.
the perpendicular dropped on the chosen base should be taken as the height to calculate the area of the parallelogram. Parallelogram mein, as I told you, jaise hum height le rahe hain, so this is base and this is height. और ऐसे भी हो सकता है कि हम height यहाँ से ले लें, तो ये base बन जाएगा. But the area would be same. जिसके ऊपर आप perpendicular लोगे, वो base बनेगा. Okay? So this thing they have explained to you. Now area of triangle. अब हम बात करते हैं triangle के areas की. There are three types of triangle, namely equilateral, isosceles and scalene. आपको पता है कि three type की triangles होती हैं, equilateral, isosceles and scalene. Now general formula. Consider a triangle in which the base and corresponding altitude और height are given. Suppose एक triangle में हमें height given है, यानी perpendicular given है किसी एक side पे, तो वो बन जाएगा बेस एंड दिस इज हाइट. तो उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो वो आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब सपोज हमें ट्रायंगल इक्विलेटरल गिवन है, तो उसमें एक फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, दैट इज रूट 3/4 ए स्क्वायर. देखो ये कैसे हुआ. दे हैव शोन अस कंसिडर अ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए. तीनों साइड क्या है, ए ए के इक्वल. ओके, अब हमने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ले लिया एक साइड के ऊपर, राइट. तो आपके पास यू हैव टू कीप इन माइंड अ परपेंडिकुलर ऑलवेज डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल होगी तो जो हम हाइट लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, वो उस बेस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, यानी बी डी एंड डी सी इक्वल्स टू ए बाय टू. अब आप देखें कि ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा. सपोज हमने ट्रायंगल ए बी डी ली है, ट्रायंगल ए बी डी में हम पाइथागोरस लगा देंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी यू नो वेरी वेल पाइथागोरस, दिस इज हाइपोटन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी, वी डोंट नो, प्लस ए बाय टू की पावर टू. ओके, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, ए डी की वैल्यू. ए डी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर, यानी ए डी स्क्वायर आ जाएगा 3a² / 4, यानी ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2a. नाउ यू नो वेरी वेल एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हमारा बेस कितना है a और हाइट इज √3/2a. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या वैल्यू बनेगी, √3/4a². सो a इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल. तो कभी भी आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, √3/4, उसकी साइड गिवन है सपोज 9 है तो 9² तो यू कैन कैलकुलेट इट. ओके, सो कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला. राइट, नाउ एरिया ऑफ स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन में क्या होता है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट. तो इसमें हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ, यानी तीनों साइड्स का हाफ, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू. अब हम क्या करेंगे, एरिया क्या बन जाएगा, रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ये कैलकुलेशन करेंगे और इसका रूट निकाल लेंगे, दैट इज द एरिया. ओके, जब आप क्वेश्चन करेंगे इट वुड बी मोर क्लियर टू यू. नाउ एग्जाम्पल, लाइक एग्जाम्पल 1, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड इज 4 डेसीमीटर. तो एज आई टोल्ड यू फॉर्मूला, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 4² सो आंसर इज दिस वन. ओके, नाउ एग्जाम्पल 2,
The base of a triangular field is 3 times its altitude. If the cost of leveling the field at rupees 25 per hectare is rupees 337.50, find the base and height. अब जो पहले आपको गिवन है, फर्स्ट राइट डाउन. टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड इज गिवन एंड द रेट इज गिवन. कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पर हेक्टेयर इज 25. अब आपको पता है कि सम टाइम वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. तो हम कैसे करते हैं, लाइक टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एरिया इंटू रेट. अब हमारे पास कॉस्ट गिवन है, रेट गिवन है, एरिया इज मिसिंग. सो व्हाट इज एरिया? एरिया इज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट पर हेक्टेयर. तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, 13.5 हेक्टेयर. हमें इनकी साइड चाहिए तो हेक्टेयर को हम चेंज कर देंगे मीटर स्क्वायर में. यू नो 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है. सो 13.5 हेक्टेयर मींस मल्टीप्लाई बाय 10,000, सो यू आर गेटिंग दिस वैल्यू. तो दिस इज द एरिया. ओके, नाउ लेट द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल बी एक्स, देन द बेस ऑफ द फील्ड बी 3x, क्योंकि इसमें गिवन है द बेस इज 3 टाइम्स इट्स अल्टीट्यूड. सो अल्टीट्यूड एक्स है तो बेस बन जाएगा 3x. एंड वी नो वॉट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हम वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ इंटू 3x इंटू एक्स इक्वल्स टू 13,500. तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस साइड 3x स्क्वायर एंड 2 यू कैन शिफ्ट ऑन द अदर साइड. यू कैन फाइंड x फ्रॉम हेयर. x स्क्वायर आ जाएगा 300 स्क्वायर, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 300 मीटर. सो अल्टीट्यूड इज 300 एंड द बेस इज 3 टाइम्स मीन्स 900. ओके, नाउ एग्जाम्पल 3, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन दिस फिगर. सो वॉट इज एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, कैसे निकालेंगे? ये स्क्वायर गिवन है, 14 सेंटीमीटर साइड है. ये जो है दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट. सो एरिया ऑफ शेडेड इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स. और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स क्या बना देंगे, एक कंप्लीट सर्कल, यानी एरिया ऑफ सर्कल. ओके, सो हाउ यू कैन राइट इट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इक्वल्स टू 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट. तो वो क्या बन जाएगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज 4 कैंसिल. सो दिस इज एरिया ऑफ सर्कल एंड दैट इज पाई आर स्क्वायर. और अब आर कितना होगा, टोटल इज 14, इट मीन्स डायमीटर इज 14, सो रेडियस इज 7. तो यहाँ पे हम ले लेंगे आर 7, तो आपके पास एरिया क्या आ जाएगा इसका, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, जो हमें माइनस करना है पूरे स्क्वायर में से. सो व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड 196. अब 196 में से 154 को हम माइनस कर देंगे, सो दैट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ कम टू एग्जांपल 4, फाइंड द एरिया ऑफ फुटपाथ 1 meter वाइड मेड अराउंड अ गार्डन. एक गार्डन है, उसके बाहर एक हमने फुटपाथ बनाया है, और गार्डन की जो लेंथ है वो कितनी है, 50 meter, और ब्रेथ कितनी है, 30 meter. ओके, तो हमें उस फुटपाथ का एरिया फाइंड करना है. दैट फुटपाथ इज 1 meter वाइड ऑल अराउंड. तो ए बी सी डी गार्डन, बाहर बन गया फुटपाथ. ओके, राइट, तो आपके पास क्या बन गई, 2 रेक्टेंगल बन गई. हमें एरिया ऑफ फुटपाथ फाइंड करना है, तो यू कैन सी दिस शेडेड वन इज द एरिया ऑफ फुटपाथ. तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल. अब इनर की तो डायमेंशन वी नो 50 एंड 30, बट वी डोंट नो आउटर डायमेंशन. तो आउटर डायमेंशन जो है, यानी आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ जो है, वो इनर से बड़ी होंगी ऑफ कोर्स. तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सपोज दिस इज टोटल 50 गिवन, यहाँ से 1 है, यहाँ से 1 है, तो दिस इज 52 meter. ऐसे यहाँ पर ब्रेथ, आउटर ब्रेथ कितनी आ जाएगी, 30 + 1 + 1, दैट इज 32 meter.
So see, the footpath is represented by shaded portion. So area of shaded portion is area of rectangle EFGH minus area of rectangle ABCD. Ab ABCD ka area we can find 50 into 30, length into breadth 1500 meter square. Now area of EFGH, iske liye we must know length and breadth, and as I told you kaise find karna hai, 50 plus 1 plus 1 52 is the outer length and outer breadth 30 plus 1 plus 1 32. So area of EFGH kya aajayega, 52 into 32 1664 meter square. So kya karenge, in dono ko minus kar denge. That is the area of footpath, okay? Now example 5, through a rectangular garden of length 70 meter and breadth 40 meter, two cross pavements are made which cut each other at right angles and are parallel to the side of the rectangular garden. Two pavements or two roads aap keh sakte hain. कंस्ट्रक्ट की हैं, वन इज़ पैरेलल टू ब्रेथ एंड वन इज़ पैरेलल टू लेंथ, और वो दोनों क्रॉस कर रही हैं आपस में एक दूसरे को. एंड इफ़ द विड्थ ऑफ ईच पेमेंट इज टू मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पेमेंट्स एंड द एरिया ऑफ द गार्डन एक्सक्लूडिंग द पेमेंट्स. सो हाउ वी कैन डू इट, अब आप देखोगे कि इन दोनों की जो विड्थ है 2 meter है. हमें पहले क्या फाइंड करना है, first find the area covered by the pavement. So how we can do it, so you can see it's a rectangle, both are rectangle shape. ये जो rectangle है जो parallel to length है, इसकी width हो जाएगी 2 और length हो जाएगी 70, okay? Similarly जो ये second है, इसकी length हो जाएगी 40 and breadth is 2. और अब इनके बीच में एक जो ये स्क्वायर है, इट इज़ कमिंग 2 times, तो इसे हम माइनस कर देंगे, राइट? सो व्हाट इज़ द एरिया कवर्ड बाय द पेमेंट्स, एरिया ऑफ EFGH मींस वन रेक्टेंगल दिस एंड द अदर रेक्टेंगल देयर एरिया माइनस एरिया ऑफ द कॉमन स्क्वायर. सो दैट इज 2 × 40 + 70 × 2 माइनस 2^2. So answer is 216 meter square. Now find area of the garden excluding pavements. So total area of garden, that is 17 × 40 minus this area. Isko minus kar denge total mein se. So this is the answer. I hope this is clear to you. This is very important question. Now we are coming to example 6. Each side of rhombus is 20 cm long and the length of one diagonal is 24 cm. Find the area of the rhombus. जो diagonal है rhombus के, हमेशा याद रखना, they bisect each other. Okay? So, अब हमें एक side given है, यानी that is 20 cm. Okay? और एक diagonal की length given है, that is 24. So, this is 12, this is also 12. Now we are getting each triangle same and right angle triangle. अब right angle triangle में, you know, अगर आपको 2 sides पता है, you can find the third side how, by using Pythagoras theorem. तो इस triangle में अगर हम AOD consider करते हैं, तो this is the hypotenuse, this is one leg and second you can find out by using Pythagoras. So that is what means 20 square equals to 12 square plus, इसको हम मान लेते हैं x, यानी 400 minus 144, वो आ जाएगा हमारा 256, यानी 16 का square, तो x की value कितनी आ जाएगी, 16, यानी अगर ये 16 है, तो this is also 16, so total diagonal is 32 centimeter. अब हमें एरिया फाइंड करना है. आपको हमने डायगनल क्यों फाइंड किया, बिकॉज वी नो एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2. डायगनल 1 की लेंथ तो हमें पता है 24 सेंटीमीटर, तो डायगनल 2 की लेंथ हमने ऐसे फाइंड करनी है. सो दैट इज 32. नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला
half into 24 into 32. You can cut the value. That is 384 centimeter square. Okay, I hope this is clear to you. Now concept highlight, area of square is side into side. Area of rectangle is length into breadth. Area of parallelogram is base into height. And area of rhombus is half into product of diagonal, means half into D1 into D2. And area of triangle is half into base into height. And area of triangle, if three sides given, so S into S minus A, S minus B, S minus C, their square root. And what is S? S is the semi-perimeter. This is very important, Heron's formula. And area of equilateral triangle is root 3 by 4 into side square. Okay. Now height of equilateral triangle is root 3 by 2 into side. Now area of a circle is pi into r square, and height of triangle of parallelogram is known as altitude or perpendicular. Now exercise 10.2, based on such type of question, you can go through these question. Like the first one, area of triangle is 148. If the base is 1.6 decimeter long, find the corresponding height. So you know how to find the height. You know area is half into base into height. So first make the unit same, then you can find the height. Okay, so similarly you can try like the sixth question. The area of an equilateral triangle is given, that is 100 root 3 decimeter square. Find the length of each side. So you can apply the formula, root 3 by 4 side square equals to 100 root 3. Then root 3 cancel. So side square equals to 100 into 4, 400 decimeter square. So you can convert into meter. Okay, so similarly you can try these sums. Like here, 17th question, find the area of the parallelogram. So what is the area of the parallelogram? That is base into height. So ab aap dekhenge, base jo hai 5 hai, uske upar height 13 hai. So what is the area? 5 into 13. Okay, similarly here, this is the base 10 and height is 3, so area is 10 into 3. Okay, so you can go through these question. So 23rd question, find the area of enclosed between two concentric circles of radii 8 and 6 centimeter. First you must know concentric circles means what, which have the same center. So ek ki radius 6 hai aur ek ki radius 8 hai. So how you can find area between them? Area of outer minus area of inner, yani pi r square minus pi r square. You can substitute the value. Pi, pi common bhi aap le sakte hain. Then pi into 8 square minus 6 square. So you can simplify it. It's very easy. So you can go through this exercise. I hope this is very much clear to you. Now we are coming to MCQ. The first one, the area of an equilateral triangle is 4 root 3 centimeter square. What is the length of the side? So area is given 4 root 3. So what is the side? So root 3 by 4 side square is the area. So root 3 by 4 side square equals to 4 root 3. Root 3 cancel. So side square is 16. So side is 4. So answer is B part. Okay. Aise aapke paas second question hai. The height of an equilateral triangle is root 6. Find the area. तो पहले हाइट हमें पता है, हाइट क्या होता है, रूट थ्री बाई टू इंटू साइड. तो पहले हम साइड फाइंड करेंगे, देन वी कैन फाइंड द एरिया. सो सिमिलरली यू कैन गो थ्रू दीज क्वेश्चन. दीज आर वेरी सिंपल एंड बेस्ड ऑन एग्जाम्पल्स ऑल्सो. सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. सम फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन एंड स्टेट ट्रू और फॉल्स इज ऑल्सो हेयर.
Now you go through the chapter. Any problem, then we can discuss it later on. Thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.